की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा बाजीराव मस्तानी मूवी से रिलेटेड बेहतरीन फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इतिहास पर बनिया भंसाली की पहली फिल्म है। भंसाली ने बहुत समय पहले सलमान खान और ऐश्वर्या राय को इस फिल्म में लेने की सोची थी। बाद में सलमान खान ने कैटरीना को इस फिल्म में लेने की सिफारिश की थी, लेकिन यह विचार काम नहीं कर पाया। भंसाली बाद में मस्तानी के किरदार के लिए करीना कपूर और काशीबाई के किरदार के लिए रानी मुखर्जी के पास गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। इसके 10 साल बाद डायरेक्टर अजय देवगन के पास बाजीराव के किरदार के लिए गए, लेकिन उनकी फीस ज़्यादा होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। रामलीला फिल्म की सफलता के बाद भंसाली ने अंत में रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण को फिल्म में लिया। दीपिका ने कथक सीखने के लिए डांस क्लास ज्वाइन की थी। रणबीर कपूर ने किरदार में ढलने के लिए सच में अपने बाल कटवा दिए थे। प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए मराठी भाषा सीखी थी। पिंगा गाने का यादगार स्टेप भंसाली के कुक ने बनाया था। दोस्तों, ये थे इस मूवी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन फैक्ट्स। आई होप यू आपको जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, मूवीज से जुड़े ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।